नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 12 सेकंड का समय भी दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर अच्छे से नोट कर लें, जैसे पहले का ए, दूसरे का बी या फिर तीसरे का सी, और इनको बाद में मिलाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं या गलत। तो दोस्तों, इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बिरसा को सोते हुए 9 दिसंबर 1900 को पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यह कथन WW अंटर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में 13 मार्च 1940 सर माइकल ओडियार गोली से किसके द्वारा मारा गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1993 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वह समाजवाद का समर्थक सरदार पटेल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और INA आंदोलन से भी जुड़े रहे? तो दोस्तों, कौन जुड़े थे? भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सिल बद्रिया जी जुड़े थे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह अधिनियम सन 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सनफैक्स योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह सनफैक्स योजना पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित के लिए चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में वर्णित समता के नियम का अपवाद किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह अपवाद राष्ट्रपति का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसी नई शैक्षिक संस्थाएं किस आंदोलन के दौरान खोली गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये संस्थाएं असहयोग आंदोलन के दौरान खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागा महिला गैडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इसको उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के संबंध में कौन सा सुझाव दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के संबंध में जिला परिषद और मंडल पंचायत नामक द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए, यह सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह भारतीय
साम्यवादी दल ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह पहला टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ संध्या पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, स्वराज दल की स्थापना यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह योजना सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पत्र वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बिहार के राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पत्र वकालत को छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसको अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा संगठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, उस छोटी श्रेणी को सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से वह इनमें से निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बिहार की सीमा नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व करने वाले किस महायोद्धा को सदैव याद किया जाता रहेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, सन 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह महायोद्धा को सदैव याद किया जाता रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बिहार इनमें से गौतम बुद्ध की जन्मस्थली नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इनमें से सच्चिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बिहार राज्य की स्थापना 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य की स्थापना का वित्तीय उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1912 को उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी, उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में से उड़ीसा राज्य इसके साथ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की एकमात्र वह नदी कौन सी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों, वह विश्व की वह एकमात्र नदी जायरे है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर स्तर पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह श्रेय कोपरनिक्स को है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से क्यूबा देश जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, इसका आंसर भी आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी घाट में पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्वी घाट में पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोदाबेटा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों यह भी पिछले क्वेश्चन की तरह दोबारा रिपीट हुआ है, इसका आंसर भी दोदाबेटा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।